हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है ना? आज मैं आपके लिए कैलकुलेशन की पार्ट थ्री वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ एडवांस क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूं। जैसे कि कैलकुलेशन की पार्ट वन वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसका लेवल लो था। उसके बाद मैंने पार्ट टू वीडियो आपके लिए लेकर आया जिसमें मैंने थोड़े और एडवांस क्वेश्चन करवाए। आज मैं आपके लिए पार्ट थ्री वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें भी कुछ बेसिक होंगे, जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, जिसको मैंने नोटिस करके रखा था कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर रहे थे। एंड साथ में कुछ परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन भी इसमें मैं करवाऊंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़े बेसिक वाले करवाऊंगा, उसके बाद थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। बच्चों, अगर आपने कैलकुलेशन की पार्ट वन वीडियो एंड पार्ट टू वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट वो वीडियो देख लें, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड आप जो कैलकुलेशन में बेसिक मिस्टेक करते हो उससे आप बच जाओगे। उस वीडियो को देखना है एंड साथ में जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी करना है, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया -4 × 2। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, 4 की साइन यहाँ पे क्या है? माइनस है। 2 की साइन यहाँ पे क्या है? प्लस है। जिसका कोई नहीं होता वो उसका प्लस होता है। अब यहाँ पर देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज क्या होता है? माइनस होता है। डिफरेंट साइन जहां पर भी रहेगी अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ऑलवेज माइनस ही आएगा। 4 × 2 = 8। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं यहां पे करता हूं -4 × -2, -4 × -2, जहां पर भी सिमिलर साइन रहेगी, सिमिलर साइन इन द सेंस या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, अगर दोनों साइन सिमिलर हो और मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो यहां पर हो जाएगा 4 × 2 = 8। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं 4 × -2, तो यहां पर 4 की साइन प्लस, 2 की साइन माइनस, प्लस इंटू माइनस, डिफरेंट साइन में ऑलवेज क्या आता है? माइनस आता है। 4 × 2 = 8। एंड लास्ट वन बच्चे, अगर मैं 4 × 2 करूंगा, 4 की साइन प्लस, 2 की साइन प्लस, सिमिलर साइन में ऑलवेज क्या आता है? प्लस आता है। सो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। ये थोड़ा सा बेसिक मल्टीप्लीकेशन था। सिमिलरली मैं एडिशन का पार्ट यहाँ पे अभी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। 4 + 2 अगर मैं करूंगा कितना हो जाएगा? 6। सिमिलर साइन में ऑलवेज एडिशन होता है, सिमिलर साइन में ऑलवेज एडिशन होता है। 4 की साइन क्या है? प्लस है। 2 की साइन क्या है? प्लस है। प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होगा एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन लगती है। तो बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? प्लस है, दैट इज व्हाई यहाँ पे प्लस 6 लिखा गया है। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं यहाँ पर लिखा -4 + 2, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर डिफरेंट साइन हो तो ऑलवेज क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। ऑलवेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होगा। 4 में से 2 गया कितना? 2। एंड बड़े वाले नंबर की साइन इसमें लगती है बच्चे, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है यहाँ पर? माइनस। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? माइनस आया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया, जैसे -4 − 2 लिया, सिमिलर साइन में ऑलवेज एडिशन होता है, सॉरी सिमिलर साइन में ऑलवेज क्या होता है? एडिशन होता है। तो यहाँ पर 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। एंड बड़े वाले नंबर की साइन लगेगी बच्चे, तो बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? माइनस है, दैट इज व्हाई यहाँ पर -6 आ गया। एक और ले लेते हैं, 5th वन। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 4 − 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, डिफरेंट साइन अगर हो तो डिफरेंट साइन में ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है। तो डिफरेंट साइन मतलब 4 की साइन क्या है? प्लस। 2 की साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होगा। 4 में से 2 गया 2 एंड बड़े वाले नंबर की साइन लगेगी, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? प्लस है, दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या आया? +2 आया। अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया 7 × 2x − 3y। थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि ब्रैकेट ओपन करो। देखो ब्रैकेट के बाहर एक ही टर्म है, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 7 है। ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है? 2 टर्म है। पहला है 2x, दूसरा है 3y। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा 14x और यहाँ पे क्या है? माइनस 7 × 3 = 21y। ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर लिया है -7 × 2x − 3y, क्या लिया? -7 × 2x − 3y। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 7 × 2 = 14, और यहाँ पर देखो बच्चे बाहर माइनस की साइन है, यहाँ पर माइनस और 2x की साइन क्या है? प्लस है।
प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस होता है, यहां पर बताया था मैंने आपको प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और यहां पे साथ में क्या है x है तो मैंने x लिख दिया। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21y। सिमिलरली बच्चे अगर मैं एक और क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, देखो जैसे मैंने ले लिया माइनस 7 इंटू 2x माइनस ऑफ माइनस 3y, जैसे सपोज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 7 इंटू 2x और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, और यहां पर क्या है 3y है। ब्रैकेट क्लोज किया, अब मैं क्या करूंगा ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा। कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन हो तो अंदर की साइन चेंज नहीं होती है। तो यहां पर देखो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा माइनस 14x, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, 7 इंटू 3 क्या होता है 21, यहां पर क्या है साथ में y। देखो बाहर माइनस था इसलिए अंदर की साइन क्या हुई चेंज हुई, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अगर सपोज यहां पे प्लस होता, जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं 7 इंटू 2x प्लस 3y होता तो क्या होता बच्चे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 इंटू 2 क्या होता है 14, यहां पर आया 14x प्लस 7 इंटू 3 क्या 21y। देख रहे हो जब बाहर प्लस की साइन थी तो अंदर की साइन चेंज नहीं हुई, जब बाहर माइनस की साइन थी तो अंदर की साइन क्या हो गई चेंज हो गई, ठीक है बच्चे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके यहां पर आपको करवाता हूं। चलो तो यहां पर जैसे सपोज मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया एक 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब ये तो एक प्रॉपर्टी है, दैट इज ये बिकॉज ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, लेकिन चलो पहले मैं एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आपको करके बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी वो भी बताऊंगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो पहला ब्रैकेट है इसमें दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या कहता है बच्चे, कि जो पहला ब्रैकेट का पहला टर्म है उसके साथ आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 3y, देन उसके बाद जो पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे 2x माइनस 3y से। अब क्या करना है बच्चे, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 क्या 6, x इंटू y क्या xy। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हियर व्हाट इज गिवन प्लस, प्लस है बच्चे 3 इंटू 2 क्या होगा 6, y इंटू x क्या हो जाएगा yx लिखो या फिर xy लिखो, बिकॉज यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में वैलिड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब अगर मैं 2 इंटू 3 करूंगा तभी भी 6 मिलेगा, और अगर मैं 3 इंटू 2 करूंगा तभी भी 6 मिलेगा, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, देख रहे हो बच्चे, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब अगर मैं उल्टा करूंगा तभी मल्टीप्लीकेशन बराबर ही आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया बच्चे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, प्लस ऑलवेज माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा 9y स्क्वायर मिल गया, ये आंसर आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैंने बच्चे आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर मतलब क्या 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 3y का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मुझे मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाना था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया बच्चे, माइनस 7x इंटू
टू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू थ्री एक्स वाई। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x है बच्चे, क्या है x है, तो पहले ये वाला जो पार्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, बिकॉज यहां पर देखो 7 दिया है, यहां पर 3 दिया, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, x इंटू x, एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y। अब क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, 21 इंटू 2 क्या होता है बच्चे, 21 इंटू 2 हो जाता है 42, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आया, x स्क्वायर इंटू x क्या होगा x क्यूब, और यहाँ पे क्या है y, प्लस इंटू माइनस माइनस, 21 इंटू 3 कर देते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 63, x स्क्वायर ही यहाँ पे y इंटू y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया, सिंपल है, लेकिन आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है, विदाउट बेसिक्स आप इसको नहीं कर पाओगे। चलो एक और बताता हूँ बच्चे, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन इंटू वन वन अपॉन टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो टू थ्री एंड सिक्स एलसीएम क्या होगा सिक्स होगा, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन, फिर से समझो टू थ्री जा सिक्स कितना आया क्वेश्चन कितना है थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, और यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आया, प्लस यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, क्वेश्चन कितना टू, टू वन जा टू, प्लस सिक्स वन जा सिक्स, वन वन जा वन, तो यहाँ पर देखो बच्चों मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है माइनस नाइन प्लस टू प्लस वन, माइनस नाइन प्लस थ्री कितना माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया माइनस वन आया, बहुत इजी है कैलकुलेशन, बहुत इजी होता है, बस एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अब थोड़े से परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, सॉरी तो बच्चों जैसे अगर यहां पर लिखा गया है 20% ऑफ 100, मुझे क्या करना है 100 का 20% निकालना है, तो सॉल्व करना है, कहीं पर भी परसेंट दिया हो बच्चे तो अपने आप में 100 से उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहां पे 20% दिया है, 1% मींस 1% मींस 1 अपॉन 100 होता है, तो यहां पर 20% दिया है मतलब इसका क्या 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ मतलब आंसर कितना आ रहा है 20। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा गया है, मार्कर चेंज कर देते हैं जिससे इसमें इंक नहीं है थोड़ा, तो अगर मैं यहां पर दूसरा मार्कर लेता हूं बच्चे तो देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा 16 टू बाई 3% को ही इसको ही सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में इसे सब कुछ कन्वर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पर 16 टू बाई 3 दिया है, वैसे तो इसका जो परसेंटेज होता है ये 1/6 होता है फ्रैक्शन, लेकिन मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है, 16 थ्री जा यहाँ पर 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, तो यहाँ पर 50/3% हुआ मतलब ये हो जाएगा 50/3% क्या होगा 1/100, 50 टू जा 100, 3 टू जा 6 आंसर कितना है 1/6। सिमिलरली अगर सपोज मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ 16 टू बाई 3% ऑफ कितना 600 का, अगर मैं 16 टू बाई 3% फाइंड कर रहा हूँ बच्चे तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 टू बाई 3 कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 2 कितना हुआ 50/3 इंटू परसेंट मतलब क्या 1/100 इंटू कितना 600, 50 टू जा 100, 3 इंटू टू 6, 6 वन जा 6 कितना आया बच्चे 100, आंसर कितना आया 100, बहुत इजी है कैलकुलेशन। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया 12.5% ऑफ 120, अब देखो 12.5% ऑफ 120 फाइंड करना है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 2 24 प्लस 1 कितना 25/2% का क्या हो जाएगा 1/100 इंटू कितना 120,
25 4 जा हो जाएगा बच्चे 100 और 4 2 जा 8, चलो 4 से पहले कर देते हैं, 4 3 जा 12 30 हुआ और 2 15 जा 30, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। बहुत इजी इजी होते हैं कैलकुलेशंस। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ लास्ट, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है -3/2 +15/7 (2/3) (15/7)। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ गया है इसमें, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -3/2 +15/7। मल्टीप्लिकेशन है तो एज इट इज लिखो 2/3 और यहाँ पर देखो डिवीजन है तो डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 7/15। अब सबसे पहले वर्ड मस रूल क्या कहता है कि डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है -3/2 +2/3। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम 2 और 3 का क्या होगा 6 होगा, 2 3 जा 6 क्वेश्चन कितना 3 3 3 जा 9 कितना है बच्चे -9 और यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखा, 3 2 जा 6 क्वेश्चन कितना 2 2 2 जा 4। ध्यान देना जो भी डिनोमिनेटर रहेगा डिनोमिनेटर से आप क्या करोगे एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखोगे। यहाँ पर देखो -9 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 9 से 4 क्या कितना 5, साइन ऑफ द बिगर नंबर बड़े वाले नंबर की साइन क्या है माइनस और यहाँ पे अपॉन में क्या है 6 है, तो अपना आंसर कितना है बच्चे -5/6। बहुत आसान था, बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं करवाया हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी करवाया हूँ आपको समझ में भी आया होगा। बच्चे आज थोड़ा जो है वीडियो मुझे थोड़ा बड़ा नहीं बनाना है, आज का वीडियो मैं छोटा ही रखने वाला हूँ, मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाऊँ, वैसे आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था तो भी मैंने वीडियो बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।